बीते दिन मधेपुरा जिला के राजपुर में एक महिला को सरेआम कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा था, जिससे उसकी स्थिति बेहद नाजुक है। इलाज अभी मधेपुरा सदर अस्पताल में चल रहा है। अभी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने वहां उनसे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके परिजनों को इलाज के लिए तत्काल 25,000 रूपए की मदद की गयी और कहा कि आगे भी मदद करेंगे, साथ ही अगर पटना में इलाज की जरूरत पड़ी तो उनका पूरा इलाज उन्हें करवाएंगे। ये घटना सभ्य समाज के जाहिलियत को दर्शाता है। इस क्रूरता की सजा मौत होनी चाहिए, आगे ऐसी कोई हरकत करने की सोचे भी नहीं। उन्होंने इस मामले को लेकर मधेपुरा एसपी से बात कर स्पीडी ट्रायल के जरिए कार्यवाही करने का आग्रह किया, साथ ही अपराधियों के घर की कुर्की जब्ती भी अपील की गई। इस महिलाओं को 2,00,000 रुपया अविलंब सरकार दे। मुझे समझ में नहीं लगता कि महिला बचेगी कि क्या होगा। इनका हायर सेंटर पर इलाज होने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि मधेपुरा इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अविलंब गिरफ्तारी, कुर्की का मैंने रिक्वेस्ट किया अभी एसपी से। आश्चर्य होता है कि महिलाओं का सम्मान इस कंट्री ने कभी नहीं किया, सिर्फ जबरदस्ती कहता है मैं सम्मान करता हूं। बांझ महिला, विधवा महिला, सती महिला, दुनिया के सारे जुल्म ढा दो महिलाओं पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 32 बलात्कार करने वाले राम रहीम को जेड प्लस दे दो। मैं इसको उसी दिन से मॉनिटरिंग कर रहा हूं। आज हमारे पार्टी की ओर से 20,000 रुपया भी मदद की गई है। जितनी खर्च होगी इसके बचाने में पटना में हम मदद करेंगे, और जब तक गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल होकर सजा नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठे। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, पहली बात ये सवाल उठता है कि किसी महिलाओं के जीवन में दखल ये मर्द देता कैसे है। मैं इसे सही नहीं मानता हूं। मर्द गलत हो तो ठीक, महिला गलत हो तो आप ठेकेदारी लीजिएगा क्या? आप कानून को हाथ में लीजिएगा, आपको राइट है। वो गलत था, उसका हस्बैंड उसका फैमिली जानेगा। आप कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? एक दूसरा चीज, जब वो बीमार थी, पेट में दर्द उठा और वो मक्के खेत गई, तो उस चारों को पता कैसे चला कि वो किसी मर्द के साथ है? जब किसी का हस्बैंड गांव में ना हो, ये गांव में जो कुछ मनचले लड़के होते हैं वह किसी औरत और बीबी को आपको लगता है कि वो देखने से और कमेंट करने से बाज आता है? ये समाज कितनी विकृतियां, वो मैं जानता हूं ना, डेली क्या हो रहा है नालंदा में। इसीलिए 3 महिलाओं को गोली मार दिया कि एक दबंग फैमिली है वहां पर, उन्होंने कहा कि आज आपके यहाँ मेरा बेटा तो आपका दामाद होगा। जब विरोध हुआ तो सुबह में 3 को गोली मार दिया होली के दिन। असल का रोहित अपने बाप के न्याय के लिए भगत सिंह से ज्यादा हिम्मत पैदा करके दिखा दी। उसमें भाजपा के अध्यक्ष, उसमें पूर्व मिनिस्टर कुशवाहा जी, उसमें गिरी, राजेश सिंह, शैलेंद्र सिंह इंस्पेक्टर, अरबों रुपया की सरकारी जमीन कब्जा कर लिया। और लगभग बिहार में सरकारी जमीन पर दबंगों ने नेताओं का कब्जा है पूरे बिहार में। इतना भैया कायर कमजोर समाज, 5 लड़का बच्ची के साथ बदमाशी भी किया, और इनके बारे में कोई बोल ना दे, उसके बाद जिस तरीके से मारा गया, ऐसे लोगों को जिंदा नंगा बिजली के तार में लटका के फिनिश कर देना चाहिए। ये राइट कहां से मिलता है इन लोगों को? महिलाओं पर इतना बड़ा जुल्म शायद दुनिया में मैंने नहीं देखा। आग में, भूरे के आग में बांस को जला करके और 5 आदमी नंगा करके पीटता रहा और गांव मुखदर्शक बनती देखती रही, और किसी पॉलिटिशियन और किसी पॉलिटिकल पार्टी की को कोई मतलब नहीं। इतनी बड़ी घटना के बाद R9 भारत के लिए अमीर आजाद की रिपोर्ट मधेपुरा से।